जुगदेव और तकलीफ दे बात यह है कि संघ परिवार के जो चीफ हैं उन्होंने उनका यह बयान कि वहां पर कुछ नहीं बनेगी सिवाय राम मंदिर के, किस तरह का बयान दे रहे हैं? कौन उनको इख्तियार दिया? क्या वो सुप्रीम कोर्ट बन चुके हैं? क्या वो चीफ जस्टिस हैं? क्या नागपुर की अदालत में उनके फैसला होगा या सुप्रीम कोर्ट में फैसला होगा? और बीएसपी के सुरेंद्र जैन ने तारीख का ऐलान कर दिया कि 18 अक्टूबर 2018 को हम काम शुरू कर देंगे। किसने कहा उनको 17,000 डॉक्यूमेंट्स का ट्रांसलेशन होना है और कम से कम 6 महीने की तो बहस करना पड़ेगा उसमें हमको? तो क्या ये एक एजेंडा सेट कर चुके हैं कि हराउड़ी में कर लेंगे और जजमेंट भी उनके हक में आ जाएगा? ये बड़ा डेंजरस है। और इसलिए साबिका चीफ जस्टिस अहमदी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है कि मोहन भगवत का बयान ये इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने उसको वो किया है कि गलत बयान दिया है उन्होंने। महरूत निकाल चुके हैं क्या? किस कैसे मालूम किसी को? ये मसला आस्था का नहीं है, ये एक टाइटल सूट है, ये एक सिविल सूट है, डॉक्यूमेंट्स के ऊपर एविडेंस की बुनियाद फैसला होगा। तो ये ऐसा है ना कि आप मुझे डरा रहे हैं, मुझे ये कह रहे हैं कि केस मत लड़ो तुम हारने वाले हैं। तो फिर ऐसा है तो फिर जमहूरियत कहाँ जाएगी? कोर्ट्स किस काम के हैं फिर?